वेलकम टू न्यू लेसन। तो हमारी वेबसाइट जो है वो काफी हद तक अब तैयार हो चुकी है। उसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें ऐड कर दी हैं। हमने मेन्यू ऐड कर दिया है, उसके अंदर काफी सारी चीजें कैटेगरीज ऐड कर दी हैं, प्लस हमने जो हमारे मेन पेजेस थे हमने उसे भी डिजाइन कर लिया है, ठीक है। प्लस हमने वर्डप्रेस स्पीड इंप्रूव करने के लिए भी प्लगइन वगैरह इसके ऊपर लगा दिया है। तो ऑलमोस्ट ये पूरी रेडी हो चुकी है। जो इसमें अभी एक चीज जो पेंडिंग रह गई है वो बस हमारा रह गया है पेमेंट गेटवे। तो एक लेसन में मैं आपको पेमेंट गेटवे भी लगाना सिखा दूंगा, और हार्डली वो 5 से 10 मिनट का काम होता है पेमेंट गेटवे लगाना। तो इस लेसन में मैं आपको एक दो और प्लगइन्स के बारे में बताना चाहता था जो कि आप यूज कर सकते हो वर्डप्रेस में, जिससे आपको काफी हेल्प होगी। तो एक जो प्लगइन है वो है CSS व्यूअर, ठीक है। तो आपको सीधे गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है CSS व्यूअर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है CSS व्यूअर, और पहला जो है आपको लिंक है वो ओपन करना है। ये CSS व्यूअर का क्रोम एक्सटेंशन आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ CSS व्यूअर जो क्रोम एक्सटेंशन है इसकी हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो। तो देखो होता क्या है कि सपोज मैं इस वेबसाइट पे आया, हमारी वेबसाइट है, अब मेरे को ये जानना है कि ये फॉन्ट कौन सा यूज हुआ है, राइट। ये जो फॉन्ट यूज हुआ है ये कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है मेरे को ये पता करना है। मेरे को ये जो बटन है इसका कलर कोड पता करना है, ठीक है। मेरे को ये फॉन्ट पता करना है, कलर पता करना है, मुझे ये सारी चीजें पता करनी है। अपनी वेबसाइट की नहीं, किसी और के वेबसाइट की पता करनी है, ठीक है। सपोज आप किसी दूसरे की वेबसाइट पे गए और आपको ये सारी चीजें पता करनी है, तो एक तो तरीका है कि आपको जो भी पता करना है आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आप इंस्पेक्ट कर दीजिए क्रोम पे, ठीक है। और जैसे ही आप इंस्पेक्ट करेंगे मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ से मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सा फॉन्ट है, क्या चीजें हैं, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। आप चाहो तो क्या कर सकते हो इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए, आप ये जो प्लगइन है CSS व्यूअर इसे इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं CSS व्यूअर पे इसे मैंने किया यहाँ से एड टू क्रोम, और यहाँ से मैंने कर दिया एड एक्सटेंशन। अब देखो ये होगा क्या, मैं इस वेबसाइट पे आया अपनी वेबसाइट पे और मैंने यहाँ पे ये जो क्रोम एक्सटेंशन आ गया देखो CSS व्यूअर, मैंने इसे क्लिक किया। अब जैसे मैं यहाँ हॉवर करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि भैया ये फॉन्ट फैमिली कौन सी है, फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट वेट क्या यूज हो रहा है, लाइन हाइट क्या है। तो यू नो एवरी डिटेल मुझे मिल जाएगी। देखिए जैसे मैं यहाँ पे आया तो कलर कौन सा यूज हो रहा है, फॉन्ट फैमिली साइज, अगेन सारी चीजें। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो आप ये सारी चीजें वहां पे पता कर सकते हो क्या कलर यूज हो रहा है, और अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप अपने वेबसाइट पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हो, इस प्लगइन के थ्रू कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल प्लगइन है, जरूर आप ट्राई करिएगा। एक दूसरा प्लगइन है अगेन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, वो है साइट ओरिजिन CSS, ठीक है। साइट ओरिजिन CSS क्या करता है, इसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट का CSS चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, और भी बड़ी सारी चीजें हैं जो आप इस प्लगइन के थ्रू कर सकते हो। तो जैसे मैं गया यहाँ पे गूगल पे मैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे गया और देन मैं गया प्लगइन के अंदर और देन मैंने वहां पे किया एड न्यू, है ना, एड न्यू किया और मैंने वहां पे सर्च किया साइट ओरिजिन CSS। क्या सर्च किया, साइट ओरिजिन CSS। अब ये पहला प्लगइन आया, देखिए साइट ओरिजिन CSS, इसको मैंने कर दिया इंस्टॉल, ठीक है जी। इसको क्या किया मैंने, इंस्टॉल, और इसे मैंने कर दिया एक्टिवेट, सिंपल इंस्टॉल और इसको देन एक्टिवेट। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्लगइन है, अभी आप इसका यूज देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है। और इधर देखिए कहीं आ गया होगा साइट ओरिजिन, आप सेटिंग्स के अंदर देखिए कहीं आया क्या, नहीं आया, तो इधर होगा कहीं, देखिए साइट ओरिजिन CSS, WooCommerce, Smush, Smart Slider, ये रहा साइट ओरिजिन CSS, है ना। अब ये CSS एडिटर का ऑप्शन है, इसको यहाँ से क्लिक करिए, अब देखिए यहाँ पे एक ये बन हुई है ये आंख, इसको क्लिक करिए, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया देखिए मैं कहाँ चला गया, अपनी वेबसाइट के इधर होम पेज पे, है ना। अब मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। से मेरे को अपना ये जो मेन्यू है ये चेंज करना है कलर, तो ये मेन्यू पे मैंने ऐसे होवर किया, राइट,
यहाँ पे मैंने किया होवर, और यहाँ पे देखिए अब सारी चीज आ रही है। टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ, मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, और मैं डेकोरेशन पे जाऊं तो बैकग्राउंड कलर देखिए अभी ये आ रहा है, और से मैंने ये डाल दिया। आप देखिए यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, हो रहा है चेंज, ठीक है, देख रहे हो आप। आपको कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ से चेंज कर दो। और मैं यहाँ पे आया, अब इसको क्लिक करिए, अब टेक्स्ट पे आइए, टेक्स्ट कलर है देखिए यहाँ से वाइट। अब यहाँ से आप ये टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, देख रहे हो, एकदम जादू है यार। आप इसको जरूर एक बार ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा यार, आई मीन प्लग इन, ठीक है। अब मैं इस बटन पे आया से, इसको मैंने क्लिक किया, और देखो यहाँ पे आ रहा है, फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ, लाइन हाइट चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट वेट चेंज कर सकता हूँ, उसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ आके 900। अब देखो ये बोल्ड हो गया, राइट। अब डेकोरेशन पे जाके इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ, देख रहे हो आप, इतना सही ऐप है ना। तो सी एस एस वी एस एस लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी से लिख के सारा काम कर सकते हो। अगेन जो भी चेंज करना है आप यहाँ से, जैसे अभी मैंने किया, जहां भी करना है आपको चेंज, जस्ट वहां पे होवर करो और चेंज करो, जो भी चेंज करना है यहाँ से, बड़े सारी चीजें हैं, चेंज कर दो, है ना, बहुत ही आसान। यहाँ पे अगेन देख लो, जो भी है चेंज कर दो। तो ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इस प्लगइन के थ्रू चीजों को चेंज कर सकते हो। और ये जो मैंने चेंज किया था, इसको मैंने ब्लैक किया था, तो इसको मैं हटा के अपना वाइट ही कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं छोड़ देता हूँ। और चेंज करने के बाद आपको ये जो है ना चेक, इसको यहाँ पे आपको चेक करना है, हो गया, और यहाँ से इसको कर देना है सेव सीएसएस, और अपनी वेबसाइट पे आओ और इसको रिफ्रेश करो, ठीक है। देखा आपने कितना ज्यादा आसान है, सेव हो गया, तो बहुत इजीली, देखो ये हो गया चेंज, कंट्रोल F5 कर देते हैं एक बार, हार्ड रिफ्रेश। तो जो चीज भी आपको चेंज करनी है वो इजीली आप यहां से चेंज कर सकते हो, राइट। और एक और चीज जो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी वेबसाइट को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश ना करो, जानबूझ के उसमें इतनी सारी चीजें ऐड मत करो कि आपकी वेबसाइट कॉम्प्लेक्स हो जाए। एक अच्छी वेबसाइट की खासियत क्या होती है कि वो वेबसाइट होती है इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू नेविगेट। जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना आपके यूजर को कम समझ आएंगे चीजें, जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना आपका यूजर सही से समझ पाएगा, और जितना इजीली आपका यूजर समझ पाएगा उतना बेटर वो आपके साथ, आपके कंपनी के साथ बिजनेस कर सकता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स बना दोगे चीजों को तो अगेन आपका यूजर भी कहेगा भाई पता नहीं क्या है, तो चीजें समझ नहीं आती इनके वेबसाइट पे, है ना। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स आप मत बनाओ चीजों को, कीप इट सिंपल, ताकि यूजर को आपके साथ बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। तो ये दो प्लगइन थे जिसके बारे में मुझे आपको बताना था, और वर्डप्रेस पे इसके अलावा और हजारों प्लगइन है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे प्लगइन एक एक उठा के आपको बताऊं। जो 10-12 इंपॉर्टेंट प्लगइन्स थे उनके बारे में मैं आपको एक लेसन में पहले बता चुका हूँ, तो आप वो प्लगइन्स यूज कर सकते हो, और जितने कम कॉम्प्लेक्सिटी आप रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। तो डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। तो ये दो प्लगइन ही थे जिसके बारे में आज के लेसन में आपको बताना था। अभी आज के जो आने वाले लेसन है उसमें मैं आपको एक एक लेसन में आपको मैं इंटीग्रेशन समझा दूंगा कि जो भी आपका गूगल एनालिटिक्स वगैरह है उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ, और हाँ देन हम एक पेमेंट गेटवे भी सीख लेंगे कि कैसे आप पेमेंट गेटवे भी लगा सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।